हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग घटना चक्र बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉलिटी में डेली क्वेश्चंस की, तो हम लोग का जो DPSP टॉपिक था वो कवर हो चुका था और आज जो है हम लोग का टॉपिक है मूल कर्तव्य। तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके RO तथा PCS एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। पहला ऑप्शन दिया है इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला 1, केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों। फिर डी ऑप्शन में दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत आता है और आर्टिकल अगर देखें तो वो 51 यानी 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। और ये मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है और इन नागरिक इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है और नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है और इनके उल्लंघन या अनुपालन करने पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। तो फिर जो है कथन पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि ये इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने की एक विधायी प्रक्रिया है, ये भी गलत हो गया है और ये विधिक कर्तव्यों के परस्पर संबंधित है, ये दोनों ऑप्शन जो है गलत है। तो इस तरह जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसकी संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। ए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, बी अयंगर समिति और सी है स्वर्ण सिंह समिति, डी ठक्कर समिति। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति से के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है हमारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और बलवंत राय मेहता की बात करें तो वो तो पंचायती राज से संबंधित हैं, ना कि मूल कर्तव्य से। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस एक कमिटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संतुति की थी। ए ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी है बलराम जाखड़ समिति और डी है सरकारी आयोग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था और अशोक मेहता समिति जो है ये भी पंचायती राज से संबंधित है और डी ऑप्शन में सरकारी आयोग दिया है। सरकारी आयोग जो है ये केंद्र और राज्य से संबंधित है, ना कि मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो इस तरह हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है। ए ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, बी सह आयोग और सी प्रशासनिक सुधार आयोग और डी संथानम समिति। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन संथानम समिति है यह सतर्कता आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन, बी 56वें संविधान संशोधन और सी जो है 73वें संविधान संशोधन, डी 98वें संविधान संशोधन।
तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 भाग चार, और भाग चार ए, और जो है आर्टिकल की बात करें तो वो 51 यानी 51A के अंतर्गत शामिल किया गया आता है, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है 73वें संविधान संशोधन, ये 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, 74वां जो है नगर पालिका से संबंधित होता है। तो यहाँ ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। ए ऑप्शन है चौथा, ऑप्शन बी पहला, सी है दूसरा, डी है तीसरा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, तीसरा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण रखने के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है। ए ऑप्शन है संविधान निर्माण के समय, बी 26 जनवरी 1950, और डी है 42वें संविधान संशोधन में, सी 42वें संविधान संशोधन, और डी 41वें संशोधन में। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 3/1/1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में भाग 4A में अनुच्छेद 51A में शामिल करके 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को बढ़ा दिया गया है। अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, और 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 50B, 51A, और सी है 52वां संविधान संशोधन, डी है 53वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 51A। मूल कर्तव्यों को 51A के तहत भाग 4A के तहत सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन 1976, बी 1979, और सी 1975, डी 1978। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1976। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी। ए ऑप्शन है 1976, बी 1975, और सी 1978, डी है 1980। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में के द्वारा नागरिकों को मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। ए ऑप्शन भाग 3, बी भाग 4, और सी है भाग 4A, और डी है भाग 6। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भाग 6 और अनुच्छेद 51A, और करेक्शन जो हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 12, मूल कर्तव्य
भारत के संविधान में निम्नांकित में से किस भाग के द्वारा दिए गए हैं, यानी किस भाग में दिए हैं? तो ए ऑप्शन है भाग दो, बी भाग तीन, सी भाग चार और डी भाग चार ए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भाग चार ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं, और ए ऑप्शन है ए आर अंतुले, बी ऑप्शन है एस एस रे, सी ऑप्शन है हरदेव जोशी, डी सी एम स्टीफन। तो यहाँ पर जो है स्वर्ण सिंह समिति के सदस्यों के बारे में बताना है, किसमें कौन कौन सम्मिलित था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए बी और डी, यानी कि वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था, और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग चार ए और अनुच्छेद 51 ए संविधान में जोड़ा गया, तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, और 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य था, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या फिर 11 हो गई। तो उसके बाद में स्वर्ण सिंह समिति में जो अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे वो थे ए आर अंतुले और एस एस रे, एम सी एम स्टीफन और स्वर्ण सिंह समिति सहित और अन्य भी जो थे। क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? ए ऑप्शन 24वें, बी 38वें, सी 44वें और डी 42वें। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 42वें। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ए ऑप्शन है भाग ए, बी भाग चार ए और सी भाग दो, डी भाग चार में। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भाग चार ए में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ए ऑप्शन है 50 ए, बी अनुच्छेद 50 खा और सी अनुच्छेद 51 ए, डी ऑप्शन है 51 खा। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज के सिद्धांत और डी नीति निदेशक सिद्धांत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? ए ऑप्शन है 42वें, बी 44वां और सी है 46वां, डी 48वां। तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ए ऑप्शन 32वें संविधान संशोधन और बी है 42वें संशोधन, डी सी 15वें और डी 46वें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वह कौन सा अध्याय है बताना है? तो ए ऑप्शन है संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, भी अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण और सी मौलिक कर्तव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन
1976 के से भारतीय संविधान में नया अध्याय जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। बी है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है। सी, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। डी, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो फिर यही ए ऑप्शन होगा। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जो कि हमें 5 रिटों का आर्टिकल 32 के थ्रू दिया प्रावधान किया गया है और जिसे न्यायालय में मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पे जारी किया जाता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। तो इस तरह ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए ऑप्शन है, आम चुनाव में मतदान। बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। सी ऑप्शन है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। डी ऑप्शन है, संविधान का पालन तथा आदर्शों का सम्मान। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, आम चुनाव में मतदान। जो आम चुनाव में मतदान है ये हमारा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारे खुद की राइट्स हैं। अगर मेरा मन है तो हम वोटिंग कर सकते हैं, नहीं है नहीं कर सकते, और जिसको चूज करना है उसको चूज कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और आप लोगों को एक बात और है बता रहे हैं कि भारत जैसे यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछता है मौलिक कर्तव्य में, ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 में है, इसमें नॉट करेक्ट बताना होता है, तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए ऑप्शन है, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। बी ऑप्शन है, हमारी मिली जुली संस्कृति समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। और सी ऑप्शन है, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा। डी है, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, जो कि आर्टिकल 51 का और क्लॉज 4 के तहत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन दिया हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। बी ऑप्शन दिया हुआ है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखने और उनका पालन करें। सी ऑप्शन है, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। डी ऑप्शन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यहाँ पर जो है नहीं नॉट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। तो यहाँ पे यही सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का समावेश है और अस्पृश्यता मिटाने का की प्रयास करें इसमें शामिल नहीं है, जबकि अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास जो है अनुच्छेद 17 के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना।
भी हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सी ऑप्शन है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। डी ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, मतलब उस मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसमें नॉट करेक्ट ही पूछा गया है। और ये जो है ग्राम पंचायतों का गठन एवं सहायता करना है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में नहीं है, जबकि ये भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व DPSP के द्वारा DPSP में अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है ग्राम पंचायतों के गठन। जबकि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना आर्टिकल 51A क्लॉज़ घ के तहत दिया है। और हमारी संस्कृति सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना उसका परिरक्षण करना 51A क्लॉज़ च के तहत, तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना हिंसा से दूर रहना ये जो है 51A क्लॉज़ झ के तहत मूल कर्तव्य में शामिल है। तो इस तरह सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में निम्न में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है देश की रक्षा करना, बी आयकर अदा करना, सी तीसरा ऑप्शन दिया हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1, 3, 4, देश की रक्षा करना और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्न में से क्या है। तो ए ऑप्शन है पहला जो ऑप्शन दिया हुआ वो मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, दूसरा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तीसरा वैज्ञानिक मनोदशा की खोज की भावना का विकास, चौथा है व्यक्तिगत सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो यहाँ पर जो है पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अन्य कमजोर वर्गों की रक्षा ये मूल कर्तव्य में नहीं दिया हुआ है, मिश्रित संस्कृति समृद्धि की रक्षा सही है, मनोवैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास सही है, व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज, और सी है अनुसूचित जाति जनजाति, डी है वन्य प्राणी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वन्य प्राणियों का संरक्षण हमारा मूल कर्तव्य है, जो कि आर्टिकल 51 का क्लॉज़ 6 के तहत मूल कर्तव्य में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है, और इसमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, ना कि संरक्षण करने की बात कही गई है। और ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति जनजाति जो का कोई भी उल्लेख यानी प्रावधान मूल कर्तव्यों में नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 21, बी 48A, सी 51A, डी 56। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 51A यानी 51 का
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, और यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। इसका वर्णन 51A यानी 51 का क्लॉज 6 में किया गया है। और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत आर्टिकल 48A यानी 48A में वर्णित है। और राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो इस तरह हमारा जो है आर्टिकल 51A सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक गलत है? तो यहाँ पर नॉट करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन दिया है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। बी ऑप्शन है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। सी ऑप्शन है भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। डी ऑप्शन है 51A के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, नॉट करेक्ट बताना है। तो मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है। जबकि मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, और ये 51A के तहत जोड़ा गया है भाग 3 12-35 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए ऑप्शन है राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा, डी ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा संविधान के आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। जबकि अन्य तीनों विकल्प जो हैं राष्ट्रगान का सम्मान, संपत्ति का बचाव और वातावरण में का संरक्षण एवं सुधार जो है सम्मिलित किया गया है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण 49 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो इस तरह सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, बी है सभी भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना विकसित करना, और डी सी ऑप्शन है माता पिता गुरुजनों का आदर करना, डी ऑप्शन है हमारे समक्ष संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना जो है मूल कर्तव्य में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग 33 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। और जो है आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, लाइक एंड शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।